हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। इससे पहले हमने दो चीजें ट्रैवर्सल के बारे में पढ़ी हैं। वी हैव गॉन थ्रू द ब्रॉडर ट्रैवर्सल, जिसमें पहले रूट प्रोसेस होता है, उसके बाद लेफ्ट सबट्री एंड उसके बाद राइट सबट्री। फिर उसके बाद हमने इनऑर्डर ट्रैवर्सल देखा था, जिसमें पहले लेफ्ट सबट्री प्रोसेस होता है, उसके बाद रूट एंड देन उसके बाद राइट सबट्री प्रोसेस होता है। ऐसे ही जो हमें आज का टॉपिक है वो है पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें क्या होता है, पहले लेफ्ट सबट्री प्रोसेस होता है, फिर राइट सबट्री प्रोसेस होता है और उसके बाद रूट प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे इससे पहले भी हमने अपने क्लास में पढ़ा है कि जो एक्सल में बात हो रही है रूट की, कि रूट कब प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है रूट। तो पहले प्री ऑर्डर में रूट पहले प्रोसेस होता है, इन ऑर्डर में इन बिटवीन एंड द पोस्ट ऑर्डर में लास्ट पे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हर एक हमारे एग्जांपल, जो भी एग्जांपल यहाँ पे जो भी तीनों ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है, वेज है, इनमें जो लेफ्ट है, यहाँ पे जो लेफ्ट है, यहाँ पे जो लेफ्ट है और यहाँ पे जो लेफ्ट है, हर एक ट्रैवर्सल में चाहे प्री ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो, लेफ्ट राइट से पहले आता है। जैसे प्री ऑर्डर में लेफ्ट राइट से पहले है, इन ऑर्डर में लेफ्ट राइट से पहले है और पोस्ट ऑर्डर में भी बिल्कुल वैसा ही है, लेफ्ट राइट से पहले ही। तो कैसे काम करता है ये, पहले लेफ्ट उसके बाद राइट एंड उसके बाद रूट। तो पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा, लेफ्ट सबट्री, फिर राइट सबट्री और लास्ट में रूट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल में देखते हैं और इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इसकी जो बेसिक डिफिनेशन है, सॉरी ये इन ऑर्डर यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ही पोस्ट ऑर्डर। एक्चुअली पोस्ट हियर, the post order traversal of a non empty binary tree is defined as traverse the left subtree, pehle hum left subtree ko traverse karenge in post order and traverse the right subtree in post order, fir right subtree ko post order mein traverse karenge and visit the root node. Iska kya matlab hai, ye aise kaam karega, pehle left ko karenge, फिर उसके बाद राइट को जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ हम रूट को प्रोसेस करेंगे। तो कैसे काम करता है, चलो देखते हैं इस वाले एग्जांपल में। हम पहले ही पहुंच जाते हैं अपने रूट पे, लेकिन हमारी जो बेसिक डिफिनेशन वो बता रही है हमें कि पहले लेफ्ट सबट्री को पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करो, तो हम लेफ्ट चले जाएंगे। जब हम लेफ्ट बी पे पहुंच गए, हमने देखा बी जो है ये तो खुद में एक सबट्री है, तो इसका मतलब हमें पहले बी को हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हम इसके लेफ्ट में चले जाएंगे। हम डी पे पहुंच गए, हम डी देख रहे हैं खुद में एक सब ट्री है, इसका मतलब डी को भी हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हम इसके लेफ्ट में चले जाएंगे। तो स्टार्ट किया था हमने रूट ए से, उसके लेफ्ट में चले गए, बी पे पहुंच गए, बी देखा हमने कि ये एक आप खुद में एक सब ट्री है, तो हम उसके लेफ्ट में आ गए। फिर जब हम डी पे पहुंच गए, हमने देखा फिर से जो डी है वो खुद में एक सब ट्री है, तो हम पहुंच गए एट द एंड लीफ नोड पे जो एच है हमारे पास। लीफ नोड पे क्योंकि हम ना दाए जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं, एज यूजुअल लीफ नोड एंड नोड होता है, इसका कोई चाइल्ड नोड होता ही नहीं है, तो हमें इसको प्रोसेस करना है। तो वह प्रोसेस हियर, सो द एच जो है हमारा, तो इसको हमने प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं एक एक स्टेप। जब हमने एच को प्रोसेस कर लिया, हम डी पे पहुंच गए वापस, लेकिन हमारा जो पोस्ट ऑर्डर बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पहले आप लेफ्ट सबट्री को करो, फिर राइट सबट्री को करो, फिर रूट को करो, ये इसका मतलब हमें इस डी को अभी प्रोसेस नहीं करना है। फिर क्या हमें करना है, हमें इसके राइट में जाना है। हम इसके राइट में जाके पहुंच गए एच के पास, हमने देखा एच जो है एक लीफ नोड है, तो अगर ये लीफ नोड है,
ना हम इसके दाएं जा सकते हैं ना हम इसके बाएं जा सकते हैं, क्योंकि दाएं भी नल है बाएं भी नल है, कुछ नहीं है इसके इसके पास तो कोई चाइल्ड नोड है ही नहीं। इसका मतलब हमें आई को प्रोसेस करना होगा, तो हमने इस आई को प्रोसेस किया यहाँ पे सेकंड पार्ट, ठीक है। अब वापस आना है, अब वापस आके हम पहुंच गए इस डी वाले नोड पे। अब जब हम इस डी वाले नोड पे पहुंच गए, हमने देखा डी का लेफ्ट हो गया, ओके, डी का राइट भी हो गया। जब किसी नोड का लेफ्ट भी खत्म हो गया, उसका राइट पोर्शन भी खत्म हो गया, उसके बाद हमें उस वाले नोड को प्रोसेस करना है, क्योंकि डी का जो हमने अभी तक किया है, हमने डी का लेफ्ट भी किया है, एच वो आ गया है यहाँ पे, आई इसका राइट है वो भी आ गया है, इसके बाद इसका मतलब हमें अब डी को प्रोसेस करना है, तो हम डी को प्रोसेस करेंगे। तो अगर हम इस पे ध्यान दें बेसिक डेफिनेशन पे, ट्रेवर्स द लेफ्ट सबट्री ऑफ इंपोजर, पहले लेफ्ट सबट्री को करो, ट्रेवर्स द राइट सबट्री, फिर राइट सबट्री को प्रोसेस किया, एंड एट द एंड विजिट द रूट नोड। तो इस सबट्री का जो रूट नोड है वो ये है, तो एट द एंड इसको विजिट किया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो ये डी वाला नोड है वो हमने प्रोसेस कर लिया। अब डी जो हमने खत्म कर लिया है, हम इसके आगे एक स्टेप आ जाएंगे ऊपर, तो हम बी पे पहुंच गए। लेकिन बी का हम देख रहे हैं कि बी का तो राइट लेफ्ट पार्ट हो गया, ओके, लेकिन इसका राइट पार्ट तो नहीं है। हाँ, इसका राइट पार्ट है। इसका मतलब जब तक इसका राइट चाइल्ड या राइट पार्ट, चाहे वो एक सब ट्री क्यों ना हो, वो प्रोसेस ना हो जाए, हम बी पे बी को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो पहले हम इसका लेफ्ट तो हो गया प्रोसेस, वेल एंड गुड, लेकिन अब हम इसके राइट को प्रोसेस करेंगे। इसका इसके राइट में हमारे पास एक ही नोड है, वो है ई, तो हम इस ई को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ई एक लीफ नोड है, तो हम इसको प्रोसेस करेंगे। ई को प्रोसेस करने के बाद हमें सीधे वापस आना है बी पे। जब हम वापस आ गए बी पे, हमने देखा बी का लेफ्ट पार्ट सारा का सारा प्रोसेस हो गया है, डी एच आई यहाँ पे है, और इसका राइट पार्ट ई, इसका राइट पार्ट ई, यानी ये सारी चीजें जो अभी तक है बी के पास थी, वो सारी की सारी प्रोसेस हो गई है, उसका लेफ्ट पार्ट भी, उसका राइट पार्ट। जब बी का लेफ्ट पार्ट भी प्रोसेस हो गया, बी का राइट पार्ट भी प्रोसेस हो गया, तो बाय द बेसिक डेफिनेशन हमें बोल रहा है पहले लेफ्ट को खत्म करो, राइट को खत्म करो, और जब दोनों हो जाए फिर इस रूट को खत्म करो। इसके बाद इसका मतलब अब हमें इस बी को प्रोसेस करना है, तो हमने इस बी को यहाँ पे प्रोसेस कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने अभी तक जो है इस सारे के सारे लेफ्ट को खत्म कर लिया। जब इसको खत्म किया है, हम वापस आ गए यहाँ अपने ए पे, ठीक है। लेकिन हमारी बेसिक डेफिनेशन बोल रही है कि अगर आपने किसी नोड के लेफ्ट को खत्म किया है, पहले चेक करो उसका राइट पोर्शन मत है। जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हाँ राइट पोर्शन में तो है कुछ चीजें, तो हम इसके राइट पे पहले जाते हैं, ए को कुछ नहीं करते, ए को बिना छुए ऐसे ही रखते हैं, तो राइट पे आ जाते हैं, हम सी पे पहुंच जाते हैं। फिर से वही डेफिनेशन, अगर किसी नोड पे पहुंचे, पहले उसका लेफ्ट चेक करो, फिर उसका राइट चेक करो, फिर उस पे आ जाओ। जब इसके लेफ्ट में हम चेक कर रहे हैं, हमें मिलता है एफ एक लीफ नोड, हम उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहां से एफ से वापस आ गए सी पे, फिर चेक करेंगे सी का कोई राइट तो नहीं है, हम सी के राइट पे आ गए, जी हाँ सी के राइट में जी है, जी एक लीफ नोड है, उसको प्रोसेस करेंगे। जब जी पे वापस आ गए, सी पे पहुंच गए, जब सी पे पहुंच गए, फिर से हमने देखा इसका लेफ्ट खत्म हो गया, इसका राइट खत्म हो गया, तो सी को भी हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है, हमें ये प्रोसेस हो गया और ये भी प्रोसेस हो गया, यानी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, ये दोनों प्रोसेस हो गए। देखो लेफ्ट सब ट्री हमें यहां तक है और राइट सब ट्री हमें यहां तक है। अब रहता है हम जब एक रूट का लेफ्ट भी प्रोसेस हो गया, उसका राइट भी प्रोसेस हो गया, तो हमें रह जाता है वो रूट ही। फिर उसके बाद इसका मतलब जब इस रूट का सारा लेफ्ट पोर्शन है राइट पोर्शन खत्म हो गया, तो फिर इस रूट को प्रोसेस करेंगे, तो एट द एंड हमें ये रूट आएगा, एट द एंड हमने इस रूट को प्रोसेस किया। पोस्ट ऑर्डर में एक हमेशा होगा जो रूट ऑफ द ट्री, जो चाहे ट्री कितना बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूट ऑफ द ट्री है, रूट ऑफ द ट्री जहां से ट्री स्टार्ट होता है, वो हमेशा ट्रेवर्सल में लास्ट में आएगा। जो जो, जो हमने ये स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग ऑफ डेटा जो इसमें है, हमेशा जो रूट ऑफ द ट्री है वो लास्ट में आएगा। अगर आपका रूट ऑफ द ट्री लास्ट में आता है, तो आप
इसका मतलब आपका जो है ट्रैवर्सल ठीक हो सकता है, इसके चांसेस है। अब देखो इसमें एक शॉर्ट का तरीका भी है, हम पहले लेफ्ट सब ट्री में आ गए, यहां पर पहुंच गए, ठीक है, यहां पर। अब यहां पे हमने देखा नहीं हमें क्या करना है, हमें इसको भी आगे जाना है, क्योंकि यहां पे कुछ और है लेफ्ट, या इसके लेफ्ट में एक और है, ठीक है ना। जब हम लास्ट उसमें पहुंच गए, हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा, अगर डी मुझे एच और आई के बाद में आता है तो मैं ठीक हूं, ठीक है ना। जो रूट है वो क्या होना चाहिए लास्ट में, अगर हम मानते हैं कि डी एक इतना ही बड़ा यही ट्री होगा, डी एच आई यही एक ट्री होता, अगर और कुछ नहीं होता, अगर ये बाकी जो पोर्शन है हम मानते हैं फिलहाल के लिए नहीं है, तो देखो इसमें भी जो डी रूट है वो लास्ट पे, ठीक है। अब अगर हम ऐसा मानते हैं कि नहीं हमारा जो सब ट्री है ये वाला पोर्शन यही एक, ये बी इसका रूट है, यही ट्री है, ये वाला हम इग्नोर, बाकी जो पोर्शन है यहां इसको हम इग्नोर करते हैं कुछ देर के लिए, अगर हम इसको इग्नोर करेंगे हम देखेंगे फिर से बी जो है रूट है, इसका मतलब बी लास्ट में आना चाहिए। अब ये देखो यहां बी एच आई डी ई, यानी ये सारे आ गए, उसके बाद बी आ गया, इसके बाद इसका मतलब ये लेफ्ट पोर्शन जो है ये ठीक से क्रॉस किया हमने, क्योंकि इसका जो रूट है वो लास्ट में है, और बिल्कुल यही मैकेनिज्म यहां पे भी चलेगा। इस वाले पोर्शन में हमें क्या देखना है, जो सी जो रूट है यहाँ पे इस वाले सब ट्री में, ये लास्ट में होना चाहिए, ये देखो ये वाला एफ जी सी, तो सी जो है इन दो के बाद में आ गया, ऐसे ही जो हमारा ये फुल ट्री है इसका जो रूट है वो लास्ट में होना चाहिए। तो जो पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर बोल रहा है पहले लेफ्ट को खत्म करो, फिर राइट को खत्म करो, फिर रूट पे आ जाओ। इसका मतलब जो एक्चुअल रूट ऑफ द ट्री है, जो स्टार्टिंग नोड हम जिसे हम बोलते हैं, जो रूट होता है हमारे ट्री का, वो हमारी स्ट्रिंग में या हमारी ऑर्डर जो जिस ऑर्डर में हम इसको प्रोसेस करेंगे वो लास्ट में आना चाहिए। अगर वो लास्ट में है इसका मतलब तभी, या जो भी सब ट्रीज हमें बनते हैं उनका जो रूट है वो लास्ट में होना चाहिए, पहले लेफ्ट वाले होने चाहिए, फिर राइट वाले, फिर रूट। तो अगर ऐसा है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, और हमारा जो प्रोसेस है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का वो ठीक से जा रहा है। तो ये जो है पोस्ट ऑर्डर का सीडो कोड है, जैसे कि हमें पता है ये सीडो कोड जो है ये एक इन कंसिडरेशन विद सी लैंग्वेज लिखा गया है, कि सी लैंग्वेज को कंसिडरेशन में रखे। वैसे ही स्ट्रक्ट नोड, हम एक नोड बनाएंगे कैर डेटा, क्योंकि हम अभी कैरेक्टर टाइप डेटा पे काम कर रहे हैं, तो कैर डेटा उसका लेफ्ट होगा, उसका राइट होगा, जो पॉइंट दोनों लेफ्ट और राइट बिल्कुल पॉइंट है, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लिंक लिस्ट में बनाते हैं एक नोड, डबल लिंक लिस्ट में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का नोड एक बनेगा। और ये उसके एक फंक्शन है जिससे हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लेफ्ट को पहले, उसके बाद राइट को, और फिर रूट को, ठीक है। जो पोस्ट ऑर्डर रूट लेफ्ट है और पोस्ट ऑर्डर रूट राइट है, ये दो सब फंक्शन हो जाएंगे जो अपने आप को ही कॉल करेंगे।